हेलो एवरीवन, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम हैकर रैंक पे। प्रॉब्लम का नाम है पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ये प्रॉब्लम भी बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे गिवन है कि एन टू डायमेंशनल पॉइंट्स गिवन है मुझे एक स्पेस में। मुझे ये पता करना है कि क्या वो एक हॉरिजेंटल या एक वर्टिकल लाइन में लाई करते हैं या नहीं। तो मुझे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यस या नो में आंसर प्रोड्यूस करना है। और अगर आप देखें कि इनपुट फॉर्मेट क्या कह रहा है कि द फर्स्ट लाइन कंटेन्स सिंगल पॉजिटिव इंटीजर एन डिनोटिंग द नंबर ऑफ द पॉइंट्स। ईच लाइन आई ऑफ एन सब्सिक्वेंट लाइन कंटेन्स टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स डिटेलिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड वाई आई, मतलब कि उसके कोऑर्डिनेट्स का डिस्क्रिप्शन वहां पे है। तो पॉइंट्स हमारे 2 इज लेस देन और इक्वल टू, एन इज लेस देन और इक्वल टू 10। कंस्ट्रेंट बता रहा है कि कम ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट्स होंगे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। और इसको देखिए कि क्या कहा जा रहा है कि सैम्पल इनपुट इस तरह से गिवन है कि 5 पॉइंट्स मेरे पास हैं और 5 पॉइंट्स 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 जिसके एक्स कोऑर्डिनेट सारे सेम हैं। तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि ये अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो एक यहाँ पे हो गया 0 1 लेट्स से, एंड देन ये 0 2, देन ये 0 3, देन ये 0 4, लेट्स से ये 0 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन में हम कैसे कंक्लूड करेंगे कि ये हमारे स्ट्रेट लाइन में है? तो अगर इसके जो पॉइंट्स हमें गिवन है उन सभी के एक्स कोऑर्डिनेट्स अगर सेम हैं तो ये सेम वर्टिकल लाइन में होंगे। और मान लीजिए कि अगर इसके वाई कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे तो ये सेम हॉरिजेंटल लाइन में होंगे। तो इसीलिए हम एक काम करते हैं कि इस तरह से डिसाइड कर, लेट्स से एक दूसरा एग्जांपल अगर हम ले जो कि वर्टिकल लाइन वाले होंगे। सो लेट्स से 2 3 एक पॉइंट है, 2 4 एक पॉइंट है, 2 6 एक पॉइंट है। तो अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिनोट करता है ये एक्स और वाई, और हमने कहा है कि जो एक्स की वैल्यू है वो 2 है और जो वाई की वैल्यू है वो 3 है। तो लेट्स से ऐसा हमारे पास एक पॉइंट है। इसके बाद फिर एक्स की वैल्यू मैंने कहा कि 2 है और वाई की वैल्यू 4 है। तो एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू 4। तो इस पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम मार्क कर देते हैं, ये 2 वैल्यू है और हमने ये माना था कि ये 3 वैल्यू है। तो पॉइंट मेरा ऐसा यहाँ पे था। एंड देन उसके बाद 2n 4 है, तो इसका मतलब है कि 4 कुछ कहीं यहाँ पे होगा। सो 2n 4 ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। इसी तरह से 2n 6 है, तो मान लेते हैं कि 6 इसको डिनोट करता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स हमारे थे वो सारे के सारे सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करते हैं। तो हमारे सारे एक्स कोऑर्डिनेट सेम थे इसलिए ऐसा हुआ। एक हम वाई वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो पॉइंट्स मेरे पास हैं वो है 3 0, देन 4 0 एंड देन 5 0। सो 3 इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0। सिमिलरली 4 इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई करते हैं। तो लॉजिक सिंपल सा यही है कि अगर सारे के सारे एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गए हर पॉइंट के तो ये हमारा सेम लाइन में होगा, और अगर सारे के सारे वाई कोऑर्डिनेट भी सेम हो गए तो भी हमारा ये सेम लाइन में होगा। तो हमें इसी तरह से लॉजिक अप्लाई करनी है जिससे कि हम इसको करेक्टली कोड कर सकें। तो कोड करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट का यूज करता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये पॉइंट है 0 1 और ये 0 2 पॉइंट है। तो मैं एक एक्स और वाई वैल्यू ले लेता हूँ अपनी तरफ से, और इसको लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक्स फाइनल ये वैल्यू है और वाई फाइनल ये वैल्यू है, और इसको मैं पहले पॉइंट से इनिशलाइज कर लेता हूँ। लेट्स से 0 एंड वाई फाइनल इज इक्वल्स टू 1। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मुझे मिलेगा उस नेक्स्ट पॉइंट से पहले वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को, मान लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट दूसरे वाले पॉइंट का एक्स है, और मैं एक्स और वैल्यू ले लेता हूँ इसके साथ में। तो एक्स और की प्रॉपर्टी क्या होती है? जॉर्ड की प्रॉपर्टी कि अगर दो नंबर सेम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर 1 और दूसरा नंबर 1 है, अगर मैं इसके बीच में एक जॉर अप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगी। पहला नंबर 3 है और दूसरा नंबर अगर 3 है तो ये जॉर वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी। लेकिन अगर पहली वैल्यू 3 और दूसरी वैल्यू 4 है
तो ये नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो ये प्रॉपर्टी है जॉर की कि अगर सेम वैल्यूज मिलेंगे तो जीरो आएगा, और सेम वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये जीरो नहीं आएगा। तो अगर सारे पॉइंट्स के एक कोऑर्डिनेट सेम है तो उस केस में अगर हम जॉर अप्लाई करते रहें लगातार और चेक करते रहें कि कहीं पे ये जीरो वाला वायलेट तो नहीं हो रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि पहला पॉइंट इस माने 010 वाले 010 02 03 04 05 से थोड़ा सा अलग ले लेते हैं पॉइंट। हमने जो एग्जाम्पल लिया था कि 23 24 एंड 25 वाला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसमें एक्स फाइनल को मैंने लेट्स से एक्स एफ का मतलब एक्स फाइनल और वाई एफ का मतलब वाई फाइनल, तो एक्स एफ को मैंने 2 से इनिशियलाइज कर लिया और वाई एफ को 3 से इनिशियलाइज कर लिया। तो एक्स इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है मैं इसके साथ इसका जॉर ले रहा हूँ, तो मतलब एक्स का एक्स के साथ जॉर ले लेता हूँ और वाई का वाई के साथ जॉर ले लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 2 जॉर 2 0 आ जाएगा, लेकिन ये 3 जॉर 4 जो है वो नॉन जीरो होगा। तो चूंकि एक्स वाला जो पार्ट है वो जीरो मिला है, इसलिए इसका मतलब है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे भी मुझे एक ऐसा पॉइंट मिले जो कि सेम लाइन में हो, तो मैं दूसरा वाला यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने दूसरा वाला यहाँ से पिक किया तो उसके बाद फिर ये जो वैल्यू 2 और 5 है इसको मैंने फिर से जॉर करने की कोशिश की। तो जॉर मैंने किसके साथ किया, जो मैंने फर्स्ट वाला पॉइंट लिया था उसके साथ जॉर किया, तो 2 ये भी था 2 ये भी है, इससे वैल्यू 0 मिल गई। इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि ये सेम लाइन में हो। और दूसरा वाला जो 3 वैल्यू है वाई फाइनल, उसको मैंने 5 के साथ जॉर लिया तो ये 0 नहीं है। तो ठीक है, एक्स 0 आ गया तो भी जो है सेम लाइन में होंगे, अगर वाई 0 आता तो भी सेम लाइन में। तो कम से कम एक पॉइंट उसमें आ ही गया एक सेम लाइन में, तो इसका मतलब है कि जॉर वैल्यू चूंकि 0 आ रही है इसलिए सेम लाइन में होंगे। तो इसी लॉजिक को हम यूटिलाइज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और मेरे पास ये गिवन है क्वेश्चन जिसमें कि मेन के अंदर मुझे कोड लिखना है। तो मैंने अपनी तरफ से एक्स फाइनल और वाई फाइनल ले लिया है, और मैंने अपनी तरफ से एक काम किया कि जितने भी पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं इनपुट कराने से, एक्स और वाई पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, मैंने इसको एक वेक्टर में रख लिया है। और मैंने पेयर के फॉर्म में इसलिए रखा है क्योंकि जो ये पॉइंट्स होंगे, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक पॉइंट के, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो पेयर के फॉर्म में ही होंगे। तो मैंने पॉइंट्स नाम का एक वेक्टर लिया है पेयर्स का, और इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को पुश करा लिया। तो जब सारे इनपुट्स मेरे पास हो गए, तो इनपुट्स के बाद फिर मैंने एक काम किया कि एक एक्स वन ले लिया जो कि पहले पॉइंट का फर्स्ट है, और एक वाई वन ले लिया जो कि पहले पॉइंट का वाई वन ले लिया जो कि पहले वाले पॉइंट्स का सेकंड, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट है। तो इससे मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया एक्स वन और वाई वन का। तो अब मैं जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का जोड़ लूंगा इसके साथ में, एक्स वन और वाई वन के साथ में। तो मैंने पहला पॉइंट ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया एक्स वन वाई वन में, तो सेकंड पॉइंट ऑनवर्ड मुझे अब देखना है। मैंने एक लूप चलाया जिसमें कि आई इक्वल्स टू 1 से n-1 तक ये लूप चलाया, और मैंने जॉर लेना शुरू किया। एक्स वन का मैंने जॉर लिया पहले पॉइंट मैंने जो दूसरा पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट से, और फिर मैंने वाई वन का जो जॉर लिया है वो लिया है वाई पार्ट का दूसरे पॉइंट पे। इसको मैंने एक्स फाइनल और वाई फाइनल में स्टोर कर लिया। अगर एक्स फाइनल या वाई फाइनल वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि मुझे आगे चेक करना है, लेकिन अगर इन ये दोनों 0 नहीं है, दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया तो मुझे आगे चेक करना है, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना, तो मैं ब्रेक कर जाऊंगा। ठीक है, आगे मुझे चेक करने की क्या जरूरत है, अगर मुझे पहले बीच में एक वायलेशन मिल गया कि वो सेम लाइन में नहीं लाई करते। तो अगर जब तक वो पॉइंट मुझे सेम लाइन में मिलते रहेंगे, मतलब कि एक्स फाइनल या वाई फाइनल वैल्यू 0 मिलती रहेगी, मैं चेक करता रहूंगा। लास्ट में जब लूप फिनिश हो गया, मैंने सारे पॉइंट्स को चेक कर लिया है, देन उसके बाद मैं देख लेता हूँ कि अगर एक्स फाइनल या वाई फाइनल में से कोई भी एक वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि वो एक लाइन में लाई करते हैं और अदरवाइज नहीं लाई करते, तो मुझे नो रिटर्न करते हैं। तो भाई इस प्रॉब्लम को हम रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सैम्पल टेस्ट केस है मेरा वो पास हो गया है, अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। यू कैन सी जो पॉइंट जो बाकी पॉइंट्स थे या बाकी जो टेस्ट केसेस थे वो भी पास हो गए, इसका मतलब हमने इस प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सबमिट कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन विद अनदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग।